विंग्स लाइफस्टाइल ने अपने एक और नए गेमिंग नेकबैंड लॉन्च कर दिए हैं, दैट इज विंग्स फैंटम 1000 गेमिंग नेकबैंड। इसका प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 1500 रुपए, लेकिन इन्होंने जो लॉन्च ऑफर रखा गया है, जो एक्जैक्टली इसका लॉन्च प्राइस है, वो है 999 रुपीज फॉर फर्स्ट 1000 कस्टमर्स। जो पहले 1000 कस्टमर्स हैं उनको ये 999 रुपीज से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, हम एक्जैक्टली चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और मेनली गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए आप इसकी अनबॉक्सिंग। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको विंग्स फैंटम 1000 नेकबैंड का ऐसा आपको बॉक्स मिल जाएगा। थोड़ा सा मेरा बॉक्स यहाँ पे पिचक गया है डिलीवरी के टाइम पे, एंड साइड में से काफी स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हम आगे सब पूरी प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग चेक करेंगे। बॉक्स के अंदर कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, साथ ही में आपको एक बड़ा सा यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाएगा। इसको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं एक्जैक्टली क्या क्या इसके फीचर्स हैं, बटन कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, यहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से डिटेलिंग मिल जाएगी। साथ ही में आपको मिलेगा एक टाइप सी का चार्जिंग केबल टू चार्ज योर नेकबैंड एंड सम एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स। एंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक अटैचेबल माइक, अलग से आपको माइक्रोफोन मिलेगा, हम आगे चेक करेंगे। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द नेकबैंड यू विल बी गेटिंग, एंड पूरा आपको ऐसा लुक एंड फील की बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी। एंड जो नेकबैंड का मटेरियल है सिलिकॉन मटेरियल यूज किया गया है, फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर पाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही, क्वालिटी सही दी गई है। एंड प्लास्टिक क्वालिटी दी गई है दोनों ही साइड पे यहाँ पे, एंड इस साइड पे आपको विंग्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पे एलईडी लाइट्स का ऑप्शन भी मिलने वाला है। एंड अगर हम ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 मल्टीफंक्शन बटन मिलने वाले हैं, एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिटेलिंग में सब चेक करेंगे। एंड अगर हम इसके साइड में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑक्स इनपुट, यहाँ पे जो अटैचेबल माइक दिया गया, अलग से जो माइक्रोफोन दिया गया है, इसको आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। हम आगे कॉलिंग टेस्ट भी करेंगे एक्जैक्टली कैसी है इसकी इस माइक्रोफोन के साथ। एंड पीछे साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको छोटा सा स्लॉट मिल जाएगा, इसके अंदर आपको मिलने वाला यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट टू चार्ज योर नेकबैंड। एंड अगर हम दूसरे साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई डेडिकेटेड बटन प्रोवाइड नहीं किया गया, सिंपली यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड ऐसा आपको लुक एंड फील मिल जाएगा। एंड नीचे साइड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे वायर्स, एंड साथ ही में आपको मिल जाएंगे बर्ड्स। बर्ड्स आपको दोनों यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश के मिलने वाले हैं, मेटलिक बर्ड्स नहीं दिए गए। मैग्नेटिक लॉक्स बताते हैं, ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं है मैग्नेट्स का, सिंपली आपको यहाँ पे पावरफुल मैग्नेट्स मिल जाएंगे फॉर सिक्योर फिट। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी जो लाइट्स दी गई है, एलईडी लाइट्स ऐसे तरीके से जलती हैं, आप देख सकते हैं ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड करती है। इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं, एंड प्रॉपरली अगर आप इसको प्लेस करेंगे अपने नेक पे तो यार लाइट वेट नेकबैंड, ऐसा कोई हैवीपन आपको फील नहीं होगा। एंड प्रॉपर तरीके से इसको आप सिक्योर फिट करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लगा के, तो यार काफी हद तक बाहर की नॉइज भी कैंसिल हो रही है, अच्छा पैसिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कानों में मेरे पैक्ड हैं। अगर आप इसको वर्कआउट्स के टाइम भी यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही मुझे, कानों से गिरने वाली चांसेस नहीं है, अच्छा लुक एंड फील ओवरऑल प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन पार्ट की, इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा। एंड इसमें आपको मैसिव 60 आवर्स तक का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, अगर आप म्यूजिक को 50 या 60% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट्स के चार्जिंग में आपको अप्रॉक्सिमेटली 6 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा विद दिस गेमिंग नेकबैंड। सो यार देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको स्पेसिफिकेशंस बहुत ही ज्यादा प्रॉपर आपको मिल जाएंगे। मैसिव आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, एलईडी लाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, बढ़िया आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे। सो स्पेसिफिकेशंस पार्ट को लेकर पर्टिकुलर मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे इसके बटन कंट्रोल्स की, वो एक्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं वो आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। जो पावर बटन दिया गया, अगर आप उसको सिंगल प्रेस करेंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा, उसी को सिंगल प्रेस करने से म्यूजिक पॉज हो जाएगा। माइनस को अगर आप सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी, एंड प्लस को अगर आप सिंगल प्रेस करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। प्लस को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, माइनस को 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा। एंड पावर बटन को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है आपको एक्सेप्ट करना है तो पावर बटन को अगर आप सिंगल प्रेस कर देंगे तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए उसी बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए, पावर बटन को अगर आप 2 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट्स दी गई एलईडी ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक अलग से बटन मिल जाएगा, इस बटन को सिंगल प्रेस करेंगे तो गेम मोड में एंटर कर जाएगा, फिर से सिंगल प्रेस करने से गेम मोड से एग्जिट कर जाएगा। इसी को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे जो एलईडी लाइट्स दी गई है वो पावर ऑफ हो जाएंगी, एंड पावर ऑन करने के लिए लाइट्स को उसी बटन को अगर आप 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लाइट्स पावर ऑन हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की, मैं गेम मोड ऑन करके अब खेलेंगे हम BGMI, फिर हम डिसाइड करेंगे एक्जैक्टली इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कितना आपको बढ़िया मिलने वाला है।
श्योर कंपनी क्लेम करती है आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलीसेकंड्स आपको लो मिलने वाली है लेटेंसी गेम मोड ऑन करके। या मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत आपको लेटेंसी ज्यादा मिलने वाली है, अप्रॉक्सीमेटली आप 80 मिलीसेकंड्स के आसपास आप बोल सकते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना इन, और ये एक्सपीरियंस अच्छा था गेमिंग के टाइम पे। और जिसका मोड दिया गया है गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड, मुझे ज्यादा खास फर्क नहीं मिला। अगर आप नॉर्मल मोड में भी गेम खेलेंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस ही मिलेगा जैसे कि आपको मिलने वाला है गेमिंग मोड में। थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का मीन्स थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चला था सही बताऊं तो मैं। और जो लेटेंसी आपको अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगा 80 के आसपास आपको मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलने वाली है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपको लग सकता है हल्का फुल्का कभी कभी लैग, लेकिन इसमें जो इनऑडियो एक्सपीरियंस है, जो लेफ्ट राइट का सेपरेशन आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, जो एलईडी लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, माइक्रोफोन दिया गया है, सही तरीके से वर्क करता है गेमिंग के टाइम पे। अगर आप बिल्कुल हैवी गेम्स खेलते हैं लॉन्ग टाइम के लिए इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन, दैट इज द साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाला है 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स। लाउडनेस बहुत ज्यादा नहीं दी गई अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, एडिकेट लाउडनेस दी गई है। फुल वॉल्यूम पे आप सुन सकते हैं, ट्रेबल्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना अप टू द मार्क परफेक्ट क्लैरिटी वोकल्स को इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन को लेके, वो आपको थोड़ी बहुत फुल वॉल्यूम पे हल्की फुल्की बोल सकते हैं। जो बोलते हैं डगमगाई हुई मीन्स क्वालिटी आप थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे तो आपको अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको सराउंडिंग मिल जाएगा म्यूजिक एक्सपीरियंस, ट्रेबल्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, वोकल इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन भी मिल जाएगा प्रॉपर अगर आप म्यूजिक को 70-80% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो। एंड अगर हम बात करेंगे बेस की, बेस इसमें आपको सराउंडिंग अच्छा, आपको बिल्कुल प्रॉपर सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स आप बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है। जहां बेस इफेक्ट्स आएंगे आपको लगेगा हाँ बिल्कुल आपको प्रॉपर सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल और बूस्टेड बोलते हैं, जो ज्यादा पंचने से ज्यादा बेस आप बोलते हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत मिसिंग लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको मैनेजेबल डिसेंट आपको बेस मिल जाएगा। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको मिलने वाला है अटैचेबल माइक, जो माइक दिया गया है। हम आप करेंगे दो कॉलिंग टेस्ट, एक बिना माइक के और एक माइक के साथ, फिर आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा डिफरेंस कैसा है दोनों ही कॉलिंग को लेके। हेलो सिद्धांत, कैसे हो? मैं बढ़िया भैया। बढ़िया सिद्धांत, अभी ना विंग्स की तरफ से एक नेकबैंड लॉन्च हुए हैं गेमिंग नेकबैंड, विंग्स फैंटम 1000 करके, मैं उनसे लगा के अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही है, पर नॉइज नहीं आ रही है बिल्कुल। बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है और मेरी आवाज दबी दबी आ रही है? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही है। ओके, और मेरी आवाज पे कितना परसेंट फोकस है? आपकी 70-80% फोकस है। 70-80% फोकस। ओके सिद्धांत, थैंक यू। सिद्धांत अभी ना मैं उन्हीं लेगबैंड से वापस आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इसमें आपको अटैचेबल माइक का ऑप्शन मिलने वाला है। माइक मैंने अटैच करके आपसे अभी कॉलिंग कर रहा हूँ। अब आपको आवाज मेरी कैसी आ रही है? आपकी आवाज क्लियर आ रही है पर ज्यादा लाउड नहीं है। क्लियर आ रही है, पहले से ज्यादा बेटर क्लैरिटी है? हाँ क्लैरिटी अच्छी है पर लाउडनेस कम हो गई है थोड़ी। लाउडनेस कम है, और मेरी आवाज से कितना परसेंटेज फोकस है अभी? आपकी 80-90% फोकस है। अब बैकग्राउंड नॉइज पता चल रही है आपको? नहीं, बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही है। सो दोनों ही आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, बिना माइक के भी और माइक के साथ भी कॉल रिकॉर्डिंग। एक्जैक्टली मैंने अपने फ्रेंड से बातें की थी आउटडोर कंडीशन में, टेरिस पे खड़े होके सामने वाला ना फोकस से मुझे सुन तो पा रहा था, बिना माइक के थोड़ी बहुत उसको हल्की फुल्की बैकग्राउंड आ रही थी, हल्की फुल्की पता चल रही थी, लेकिन माइक के साथ उसको इतनी बैकग्राउंड पता नहीं चल रही थी और थोड़ी बहुत क्लैरिटी भी थी माइक के साथ। लेकिन जो माइक्रोफोन अगर आप यूज कर रहे हैं इसका जो अटैच करने वाला है उसको बिल्कुल ऐसे मुंह के पास रखिएगा, तभी उसको बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस सुनाई देगा। ज्यादा दूर रहेगा तो उसको ज्यादा कॉलिंग एक्सपीरियंस परफेक्ट सुनाई नहीं देगा। ध्यान रखिएगा मुंह के पास रहे माइक, तभी उसको बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस सुनाई देगा। और जो लाउडनेस है कॉलिंग के टाइम पे उसको थोड़ी बहुत कम लग रही थी कंपैरेटिवली दोनों ही मोड्स में, उसको जितनी भी लाउडनेस थी अच्छे सुनाई तो दे रही थी, लेकिन बोल रहे थे ज्यादा लाउड आवाज नहीं आ रही है मेरी तरफ से। तो इसमें आपको अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी, बहुत ज्यादा परफेक्ट कॉलिंग बोलते हैं ना, लेकिन जो माइक्रोफोन दिया गया अटैचेबल उसमें आपको थोड़ी बहुत बेटर कॉलिंग मिलेगी। सो ओवरऑल इसमें आपको अच्छी मैनेजेबल प्रॉपर कॉलिंग मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स की, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को हम करेंगे रेटिंग्स। सर मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8/10, मैं बेस क्वालिटी को भी दूंगा 8/10, मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8/10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस को भी दूंगा 8/10। सो यार मुझे ना ओवरऑल इसमें ना सब इक्वली लगा, बहुत ज्यादा परफेक्ट आप नहीं बोल सकते, आपको हर चीज में परफेक्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसलिए आपको मैनेजेबल अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मैनेजेबल आपको बेस मिल जाएगा, मैनेजेबल आपको अपर एवरेज कॉलिंग मिल जाएगी और अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत ज्यादा परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं वो आपको थोड़ा बहुत लग सकता है मिसिंग, लेकिन फिर भी आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा लुक एंड फील के हिसाब से, बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से, मैसिव बैटरी लाइफ के हिसाब से और जो एलईडी लाइट्स का ऑप्शन दिया गया है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर आप इसको 999 rupees में ग्रैब करते हैं तो 999 rupees के हिसाब से बिल्कुल ही वर्थी प्रोडक्ट है। अगर आप पहले 1000 कस्टमर्स हैं तो उसको आप डेफिनेटली ऑप्शन में रख सकते हैं। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी भी कुछ दिक्कत हो आपको, कुछ पूछना हो आपको, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च विंग्स फैंटम 1000 गेमिंग नेक बैंड। Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video.
थैंक यू।